जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह कुचलकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दोनों मुकाबले में कुचलने के बाद तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को खून के आंसू रुलाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरी तरह कुचलकर इस वनडे सीरीज को क्लीन स्वीप करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम से वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल की मिली हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। और कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक बदलाव किए हैं। ऐसे खतरनाक प्लेयरों के शामिल होने से ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ की पूरी तरह से सदमे में चले गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 सितंबर यानी आज राजकोट में खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मुकाबला सीरीज का अंतिम मुकाबला होने वाला है और क्या रहने वाली है भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। लेकिन उससे जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेल रही है, जहां भारतीय टीम ने अपने पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से कुचला दिया था। वहीं दूसरे मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर। लेकिन इससे पहले आप सूर्य कुमार को वर्ल्ड का खतरनाक प्लेयर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 27 सितंबर को भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से आमने सामने होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत होने से पहले 27 सितंबर को भारतीय टीम फिर से आमने सामने होने वाली है। अब रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में ऐसी बुकेशेरों की एंट्री कराई है, क्योंकि दोस्तों इसे तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग में खुद कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल पारी की शुरुआत करने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में गायकवाड़ बाहर होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि सुमन गिल अब काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों इन दोनों के अलावा विराट कोहली भी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जबकि दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आने वाले हैं और पिछले मैच में भी उनकी काफ़ी शानदार फॉर्म रही थी और अपने 1 शतक भी लगाया था और वे काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पाँचवें नंबर की बात करें तो लोकेश राहुल मैदान पर नजर आने वाले हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में राहुल ने 1 शतक लगाया था और आने वाले हैं। वही दोस्तों छठे नंबर की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से खतरनाक प्लेयर सूर्य कुमार बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि दोस्तों सूर्य कुमार के अलावा 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या मैदान पर नजर आने वाले हैं। वहीं 8वें और 9वें नंबर की बात करें तो जडेजा और कुलदीप यादव मैदान पर नजर आने वाले हैं। 10वें और 11वें नंबर पर टीम में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। ये थी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह कुचलने के लिए तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।